हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गॉस थ्योरम। अगर अभी तक आप लोगों से कोई भी टॉपिक मिस हो चुका है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को अगर हमें सम अप करना है, वैसे आपको पता है कितना वास्ट स्टडी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर, राइट? उस पूरी स्टडी को अगर हमें सम अप करना हो तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पूरी स्टडी को सिर्फ और सिर्फ 4 इक्वेशंस में सम अप कर दिया था। उन इक्वेशंस में से सबसे पहली आपके पास आती है गॉस थ्योरम। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इस गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंस पता चल जाए, ठीक है? तो गॉस थ्योरम का बैक एक कॉन्सेप्ट क्या था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ चार्ज है, जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती है, एंड बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज कैसे पॉसिबल है, राइट? बस बेसिक आइडिया इसके पीछे यही है, ठीक है? बट ये लिंक करता है आपके प्रीवियस टॉपिक से भी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ये एक क्यूब है, ठीक है? इसमें से अगर आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर 3 जा रही हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है, ठीक है? तो हमने बताया था कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, राइट? अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, कि इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कितनी जा सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, कितना चार्ज पड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इसके अंदर एंटर करेगी, इट डिपेंड्स कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक हमारा सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उसके पास खुद के तो चार्जेस होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव बट सब इक्वल होंगे, राइट? ये तो हमें पता ही है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ा हुआ कोई भी, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, है ना, कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, राइट? तो ऐसे निकल रही हैं, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, कंडक्टिंग सरफेस में से क्या अट्रैक्ट करेंगी, बताइए मेरे को, क्या अट्रैक्ट करेंगी? नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगी, राइट? तो सारा नेगेटिव इस सरफेस पे आ जाएगा। अगर कंडक्टिंग सरफेस का सारा नेगेटिव इधर आ गया तो इस साइड क्या आ जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे ही सारा पॉजिटिव इधर आ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फिर से ऐसे निकलने लग गई। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, जीरो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पे आ गया, बीच में कोई चार्ज नहीं है, तभी कोई भी फील्ड लाइन्स बीच में से पास नहीं होंगी। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेंटर में जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इसको कैसे लिखा गया, इन्होंने बोला कि अब उस चार्ज का फ्लक्स से क्या रिलेशन है। तो उन्होंने डिफाइन करी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज सरफेस इज वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज्ड चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है तभी उसमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। कितनी, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। दिस इज गॉस थ्योरम। नाउ अगर आप भूल चुके हैं कि ये क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, तो याद करिए, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक कि किस कितनी वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है? सो गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज बाय या वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, ठीक है? अब हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने डिराइव किया था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फॉर क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड के लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है, क्या था ई डॉट डी ए, यानी कि स्मॉल से एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, क्या इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं? जी हाँ, जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारे पास एक नया फॉर्मूला, ठीक है, ये गॉस थ्योरम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां से हमने इसका कनेक्शन नया निकाल दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गॉस थ्योरम क्या हर सरफेस पे, यहाँ पे बोला गया ना क्लोज्ड सरफेस, तो किस टाइप के सरफेस पे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन आपके पास ये आता है, तो वो जो सरफेस है दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब ये कौन सा सरफेस है भाई, ये वो सरफेस जिस पे गॉस लॉ लग सकता है, गॉस थ्योरम लग सकती है। क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब ये है, गॉस सरफेस का मतलब ये होता है कि ऐसा सरफेस जिसमें सिमिट्री हो और जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बस जिस सरफेस के पास ये दो चीजें होंगी ना उसे हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। जैसे कि सिमिट्री क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। यहां अगर मैं बात करती हूं, जैसे मैंने अभी एक सर्कुलर कंडक्टर लिया, तो ये ले लेते हैं हम, एक सर्कुलर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर मान लेते हैं हमारे पास जो चार्ज पड़ा है वो ऐसे है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, रेडली आउटवर्ड ऐसे ही निकलती हैं, ठीक है। सबसे पहले सिमिट्री चेक करते हैं, सिमिट्री का मतलब होता है एंगल थीटा, थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हमने लास्ट जो लेक्चर किया था हमने उसके अंदर बारे में ये डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये सरफेस, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, और दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में थीटा जीरो। ऐसे ही कहीं भी निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, दोनों क्या है पैरेलल है, तो दोनों के बीच में थीटा जीरो, यानी कि एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस थीटा इज सेम, यानी कि इस सरफेस के पास सिमिट्री है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरा एक चार्ज है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, अगर यही पॉइंट में उठा के यहां रख दूं इधर तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स से मैं दूर आ चुकी हूं, ठीक है। जितनी पास उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, जितनी दूर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, यही बात बता हमें, ठीक है। बट अगर हम यहां बात करते हैं तो ये क्या है, एक सेंटर है और ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा, एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस रेडियस इज सेम, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी सेम होगी। तो यानी कि ये जो सर्कुलर हुआ, जो एक स्फीयर बना, ये एक ऐसा क्लोज सरफेस है जिसके पास सिमिट्री भी है, जिसके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। दैट्स व्हाई दिस स्फीयर और दिस शेल, यू कैन से ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। अगर मैं ऐसा कोई सरफेस बना देती हूँ, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, ओके। अब सबसे पहले अगर हम सिमिट्री की बात करते हैं, सिमिट्री क्या है, सबसे पहले तो ये ऐसे आउटवर्ड निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ एक ये पॉइंट ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये इस तरीके से निकल रही है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर भी ऐसे ही है, यहाँ थीटा जीरो हो गया। अब कहीं और अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इस तरीके से निकल के आएगा परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा कुछ ना कुछ निकल आया, ठीक है, सिमिट्री नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, रेडियस कम है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस ज़्यादा हो गया, तो सरफेस पे आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ सरफेस इज नॉट कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो अब अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो मेरे को बताइए क्यूब एक गॉसियन सरफेस होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि क्या क्यूब एक गॉसियन सरफेस होगा। यहाँ मैं आपको एक हिंट जरूर देती हूँ कि एक अगर क्यूब की हम बात करते हैं, मान लो चार्ज बिल्कुल सेंटर में ही पड़ा हुआ है, तो उसका हर जगह से डिस्टेंस क्या सेम होगा, यहाँ से
और यहाँ से क्या ये डिस्टेंस सेम है? बस दिस इज अ हिंट, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्या क्यूब एक गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन क्लोज सरफेस होगा। सो अब हम और डिटेल में बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस को हम डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पहली बात, सिंपल सा चार्ज लेते हैं हम, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज मतलब कि यहाँ मेरा एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, रेडियल, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करेंगे, हमें कैसा चाहिए, सिमेट्रिकल चाहिए और हर जगह पे सेम। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से डॉटेड सरफेस ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा इमेजिनरी सरफेस है और इसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे सिमिट्री है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे बिल्कुल सेम है। कैसे सिमिट्री है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसी के परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो, सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल दोनों के बीच में जीरो, तो सिमिट्री हो गई एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया पहला आपका फॉर पॉइंट चार्ज कि हम कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब दूसरा हम केस लेते हैं, अगर एक लाइन के ऊपर चार्जेस हो इस तरीके से, यहां पर ये चार्जेस हैं, तो इसके लिए हम कैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना, सोचने वाली बात है। अब अगर मैं इमेजिनरी इसके ऊपर एक पाइप चढ़ा देती हूँ, ठीक है, एक पाइप चढ़ा दो इसके ऊपर, ये बहुत लंबा है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेंथ का मैं पाइप चढ़ा देती हूँ, तो वो कैसा होगा पाइप, इस तरीके से होगा, कैसी शेप दिखाई दे रही है आपको इस पाइप की, यस, सिलेंड्रिकल। अब इस सिलेंड्रिकल शेप का क्या फायदा है, ध्यान से देखना इस चीज को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इधर ऐसे बाहर की तरफ, यहां ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करती हूँ, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इस साइड, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल जीरो, सेम हेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, थीटा, दोनों के बीच में जीरो। तो ये तो हो गया इस पोर्शन की बात। अगर अपर और लोअर पोर्शन की मैं बात करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, ऐसा होता, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा। सिमिलरली नीचे की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बट इसका बॉटम का एरिया वेक्टर इस तरीके से, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री। इतना तो चल सकता है ना कि हाँ जी, साइड में हमारा थीटा सेम आ रहा है और ऊपर नीचे हमारा थीटा सेम आ रहा है, तो इनको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस। बट लिसन, अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर देती, ऐसे लाइन पे मैं सर्कल ड्रॉ कर देती, तो सोचिए क्या वहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती। देखिए दोबारा से देखिए, ये है इस तरीके से, तो अगर मैं सिलेंड्रिकल हटा के मैं यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देती फॉर गॉसियन सरफेस, तो क्या होता, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई एक पॉइंट देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, इसमें थीटा डिफरेंट हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर, अब इसमें थीटा डिफरेंट हो गया। यहाँ अगर बात करें, यहाँ परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ थीटा डिफरेंट हो गया, तो हर पॉइंट में मेरा थीटा डिफरेंट हो गया। सो अगर मेरा चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं उसके ऊपर एक पाइप चढ़ाऊंगी, उसके ऊपर हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे फॉर अचीविंग गॉसियन सरफेस, ताकि हम इसके ऊपर गॉस थ्योरम लगा सकें। वो कैसे लगाते हैं, हम आगे भी डिस्कस करते हैं, तो उसके ऊपर ये चीज नहीं लग पाएगी। क्लियर है ये बात। सिमिलरली अगर ये चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये एक शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद है आपको, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पॉइंट चार्ज, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एंड शीट के ऊपर चार्ज, यस, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया था, हमने यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था एंड प्लेन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट।
तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस मिस कर दी हैं, उन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाके क्लियर कर सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से है कि ये एक प्लेन शीट है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूं, कैसे करेंगे? अगेन सर्कल में ड्रॉ करूंगी तो सर्कल वाला तो काम नहीं बनेगा, अगेन वही वाला सीन हो जाएगा इसका, राइट। तो क्या कर सकते हैं, ये शीट मान लीजिए इस तरीके से है, ये है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्जेस हैं, ठीक है। अब मैं इस प्लेन शीट को उठा के ना ऐसे रख रही हूँ इस तरीके से, यानी कि अब मैं इसको ऐसे ना हटा के ऐसे रख रही हूँ, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना, ये इस तरीके से हो गई। अब अगर मैं इसके अंदर से एक पाइप ले जाऊं, इसके अंदर से इसको चीरता हुआ एक पाइप ड्रॉ कर दूं, तो क्या होगा, ये मैंने एक इसके अंदर से एक होल करके इसके अंदर एक पाइप ले गई मैं, ठीक है। अब इस पाइप की वजह से क्या होगा, हमें पता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, ब्रश लाइक होती है, ब्रश लाइक ये इधर जाएंगी पीछे से इधर जाएंगी। तो अगर मैं सिर्फ इस सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, इधर क्या होगी, इस तरीके से होगी, है ना। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें, ऊपर वाले सरफेस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर हमारा ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर। सेम यहाँ नीचे की बात करें तो भी ये और यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों तरफ तो परपेंडिकुलर है, ओके, यानी कि इतने से पोर्शन में हमारा थीटा सिमेट्रिकल है, राइट। अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, इसके परपेंडिकुलरली एरिया वेक्टर, दोनों में एंगल थीटा जीरो, ठीक है, दोनों में एंगल थीटा जीरो। सिमिलरली यहाँ की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इधर ही एरिया वेक्टर, और इनके बीच में भी थीटा जीरो। तो इतना तो काम चल सकता है ना कि हाँ जी कोई बात नहीं, अगर बीच में हर जगह पर 90 है, साइडों में जीरो है, तो इतनी तो कैलकुलेशंस हम इजिली कर सकते हैं। तो यानी कि अगर एक प्लेन शीट के ऊपर, प्लेन शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ऐसे पाइप अंदर की तरफ उसको ले जाके उसका हम क्या बना देंगे, गॉसियन सरफेस। अब ये क्या है, ये हमारी इमेजिनेशन है, राइट, ये हमारी इमेजिनेशन। तो गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस जो हम खुद ड्रॉ करते हैं अपनी इमेजिनेशन से, टू अप्लाई गॉस लॉ, सो दैट गॉस लॉ की हेल्प से हम पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज या फिर प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। बट हमने क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो इसको प्रूफ भी तो करना चाहिए हमें पहले, है ना, तो एक बार इसका प्रूफ करते हैं। तो गॉस लॉ के प्रूफ के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज, ये रहा हमारा एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से क्या होगा, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरीके से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, गॉस लॉ के लिए हम क्या, किस पे अप्लाई करते हैं, हम गॉसियन सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या हुआ, वही सिमेट्री एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम एक इमेजिन कर लेते हैं, एक सरफेस इस तरीके का, आप इसको कह सकते हैं शेल भी बोल सकते हैं, आप इसको स्फीयर भी बोल सकते हैं, बट आप इसको सर्कल नहीं कह सकते, भाई सर्कल तो टू डायमेंशनल होता है ना, राइट। हम किसकी बात करें, हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें जो हर तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इनकी थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल में एक शेल हो सकती है, स्फीयर। शेल का मतलब क्या होता है कि अंदर से वो खाली है और सिर्फ आउटर आउटर है उसका, ठीक है, जैसे कि एक बॉल होगी तो बॉल अंदर से खाली है, सिर्फ ऊपर का है, राइट। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का मतलब जैसे आप कह सकते हैं लेदर बॉल इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, लेदर बॉल एक इमेजिन करिए, वो पूरी भरी होती है, तो दैट इज अ स्फीयर, राइट। शेल क्या है, शेल जैसे एक टेनिस बॉल है जिसके ऊपर ऊपर प्लास्टिक होता है, अंदर से वो होलो होती है, खाली होती है,
तो ये दोनों ही इसके लिए क्या हो जाएंगे, गॉसियन सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कहीं पर भी, क्यों, क्योंकि हमें पता है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों ही सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। दैट मींस इन दोनों के बीच में थीटा क्या है, जीरो है एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, राइट। ओके, अब गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए अभी तक हमें क्या क्या पता है कि अगर हमें एक पॉइंट चार्ज दिया हो तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम निकाल सकते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइड में उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो हम अगर इस पॉइंट चार्ज को माना, हमने इसको एक स्फीयर को माना, हम मान लेते हैं इसका स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, तो इसके डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, राइट। ओके, ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब और हमें क्या पता है और हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एरिया वेक्टर है, तो यानी कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो हम इतने से पोर्शन के लिए फ्लक्स निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, और स्मॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, डी यूज करते हैं, डी ए, ए मतलब एरिया, मोस्टली बुक्स में डी एस है तो आप एस भी यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम, ए एस भी यूज कर सकते हैं, ए भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपके पास स्मॉल एरिया, राइट। यहां पर हमें फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर स्मॉल फ्लक्स ही आएगा स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, डी फाई, डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये E हो गया, ये डी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये तो हो गई क्वांटिटी वन, तो हम कैसे रह गए, हम रह गए डी फाई ई ई डी ए, ये हमें मिल गया, ये तो आ गया स्मॉल फ्लक्स पूरे सरफेस के लिए, फॉर कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्लीट सरफेस के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं कंप्लीट सरफेस पे या कंप्लीट एरिया पे, तो ऑब्वियसली ये क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यस क्लोज्ड लूप लगानी पड़ेगी। तो अब आपको लास्ट वाले चैप्टर की हर एक डिटेलिंग समझ में आ रही है, कहाँ हम क्लोज लगा रहे हैं, कहाँ हम डिफ्रेंसिएशन और कहाँ हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, राइट। डिफ्रेंसिएशन फॉर स्मॉल पार्ट, इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट पार्ट, एंड दिस सर्कल इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, दिस सर्कल इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। नाउ यहां पे लगाते हैं ई डी ए, ठीक है, तो कंप्लीट एरिया पे लगा रहे हैं हम। नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है, अब क्या हो गया, सिर्फ ये बचा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बचा आपका पास, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, अगेन डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, क्या बचेगा आपके पास, ई इंटू ए, व्हाट इज ए, ए इज टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। नाउ व्हाट इज सरफेस, सरफेस कैसा है आपके पास, एकदम स्फेरिकल है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, बताइए मेरे को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr2। तो यहां से e as it is, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 4πr2 लिख दिया हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये होती है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करिए वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4πr2, 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, क्या बचा, q/ε0, यहाँ क्या लेफ्ट में, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q/ε0, यही आपने सॉल्व करना था, यही प्रूफ है, गॉस थ्योरम यही कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि 1/E0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन अ सरफेस, राइट। तो ये था प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब हम क्या करेंगे,
अब हम पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज एंड प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग गॉसियन सरफेस एंड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स पहले डिस्कस करते हैं और वही स्टेप्स फॉलो करके आप किसी भी चीज के ऊपर आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या है, लेट अस डिस्कस। तो वो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें कुछ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मान लो इसी शीट के ऊपर चार्जेस दे रखे हैं, तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, फिर हमें कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करनी है ये वाली टर्म, ठीक है, कि इनके बीच में कितना एंगल है, और इसको हमने स्पेसिफाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या एरिया और क्या एंगल है, तो ये क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है चार्ज, उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। उसके बाद हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की, ठीक है। तो यही था ना हमारा पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या लगाते हैं, गॉस थ्योरम लगाते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अगेन पॉइंट चार्ज ये होता है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहती है रेडियली आउटवर्ड। और पॉइंट चार्ज के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप गॉसियन सरफेस क्या रहेगा आपका, ऐसे स्फेरिकल रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद हम सेकंड क्या है आपके पास, ईडीए निकालना है आपको, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये हमने स्पेसिफाई कर लिया एक पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं एरिया वेक्टर क्या बनेगा, वो भी परपेंडिकुलरली ऐसे बनेगा, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो हमने पहले तो गॉसियन सरफेस बना लिया, अब हमें ड्रॉ करना है, अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया दिस वन, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पहले तो हम इसको ओपन करके लिख देते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया हमने पहले इसको, तो कंप्लीट एरिया पे है, राइट। नाउ ई हमारी हर जगह कांस्टेंट है, तो ई हमारा बाहर आ गया, डी ए कॉस थीटा, थीटा इज जीरो। नाउ कॉस थीटा जीरो किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है, क्या बच गया आपके पास, डी ए। अगेन डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, क्या बच गया आपके पास, ई इंटू ए। वट इज ए, ए इज द टोटल एरिया, एंड टोटल एरिया फॉर स्फीयर कितना होता है, हमने अभी भी पढ़ा था, दैट इज 4πr² होता है, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ई डॉट डी ए। तो फर्स्ट स्टेप डन, सेकेंड स्टेप डन, थर्ड स्टेप कैलकुलेट क्यू इन साइड द सर्फेस, इनकी चार्ज कितना है अंदर, चार्ज तो क्यू ही है, ठीक है। तो चार्ज इन साइड द कंडक्टर दैट इज क्यू, वो कितना है, क्यू ही है। तो हमने थर्ड भी पॉइंट फाइंड कर लिया। अब अप्लाई करनी है गॉस थ्योरम, तो बाय गॉस थ्योरम क्या कहती है गॉस थ्योरम, इसकी वैल्यूज पुट करनी है हमको, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, चलिए करते हैं। इसकी क्या वैल्यू आई आपके पास, ये आई है, यहाँ पुट कर देते हैं, ई 4πr² क्यू एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अभी मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू एंड आर स्क्वायर। तो क्या ये आपको देखा देखा लग रहा है, यस, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये तो हमने पहले हमने कैसे किया था, कूलम लॉ से निकाला था हमने, राइट। अब हमने कैसे निकाला है, गॉस लॉ से निकाला है। तो ये आ गया आपके पास, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। ये पेपर में नहीं आता क्यों नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ईजी है, घुमा फिरा के आपको ये फॉर्मूला निकालना होता है। तो क्या आता है पेपर में, पेपर में पॉइंट चार्ज पेपर में पॉइंट चार्ज इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता जितने बाकी आते हैं। बाकी मतलब जैसे कि आगे हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम गॉसियन सरफेस, फिर हम लगाएंगे गॉस लॉ। तो चलिए बात करते हैं अब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की।
तो फॉर लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज मतलब कि एक लाइन है, ये लाइन बहुत लंबी है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक यहाँ पे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट ले लिया था, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, कोई एक कंसीडर कर लिया। ऐसे हम यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे लाइन के लिए, क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, पाइप जैसा, सिलेंड्रिकल होता, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल हम कैसा लें, सिलेंड्रिकल के लिए हम लेते हैं जितना जितनी दूर ये पॉइंट है ना, इतने रेडियस का हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सिलेंडर, इतने रेडियस का जितनी दूर आपका पी पॉइंट है। तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, सेकंड पॉइंट, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये निकालना होता है, राइट। तो उसके लिए हमें एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है, ये रहा पॉइंट। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी रहती है, ऐसे आउटवर्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी क्या रहेगी, ऐसे आउटवर्ड रहेगी। और एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे क्या, परपेंडिकुलर, दैट इज ये वाला एरिया वेक्टर, ये हो गया ई, ये हो गया ए, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, जीरो, दोनों पैरेलल हैं अगेन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया किसके लिए, इस एरिया के लिए, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। अब ऊपर और नीचे वाला भी तो सरफेस है, इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना इस पॉइंट पे, तो वो कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे, बट एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली बॉटम के लिए क्या होगा, ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद हमारा मेन काम क्या है, अब ये फाइंड करना। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ई डी ए कॉस थीटा। अब ये कंप्लीट सरफेस के लिए, कंप्लीट एरिया के लिए। अब कंप्लीट एरिया कैसे बनेगा, एक तो कर्व्ड पोर्शन बनेगा, एक अपर पोर्शन और एक बॉटम पोर्शन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि हम एक कर्व्ड के लिए अलग से निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग थीटा बन रहा है और इन दोनों के लिए अलग थीटा बन रहा है, राइट। प्लस ये अपर पोर्शन के लिए और ये बॉटम पोर्शन के लिए। तो अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ यहाँ एक हमने गलती करी है, क्या गलती की है, ये तो हमने कंप्लीट क्लोज के लिए लगा दिया, यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, यहाँ क्लोज नहीं आएगा, यहाँ पे ओपन इंटीग्रेशंस रहेंगी। क्यों, क्योंकि इन्हीं को मिलाकर ये क्लोज्ड बना ना, ये खाली पोर्शन क्लोज नहीं है, ये खाली पोर्शन क्लोज नहीं है, इन तीनों को मिला के क्लोज हुआ ना, तो इसलिए ये ओपन इंटीग्रेशंस रहेंगी और तीनों का जो सम है वो क्लोज्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब अगर मैं अपर और बॉटम की बात करूँ तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दैट इज 90। तो यहाँ हो गया कॉस 90, ये हो गया कॉस 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यानी कि ये पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो। किससे डील करना है हमें, हमें अब सिर्फ इससे डील करना है, किसके, किसे, कर्व्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगी, क्या बचा, डी ए एंड कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये हो गया वन। अब क्या बचा आपके पास, ई इंटीग्रेशन डी ए। अब डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, क्या बचेगा, ई इंटू ए। नाउ ए इज क्या है, ए है कर्व्ड का एरिया, हम कर्व्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सिलेंड्रिकल है, तो कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये yes, आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्या होता है, 2πRh। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 2πRh। नाउ व्हाट इज h, h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब हाइट हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं l है हमारी हाइट,
ठीक है, तो एच की जगह हम एल पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 पाई आर एल। तो ये हमने फाइंड कर लिया, सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, कैलकुलेट क्यू इनसाइड द सरफेस। अब हमें चार्ज फाइंड करना है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द सरफेस, इनकी यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, चलिए याद करिए, इसके अंदर जब हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो हमने क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, इस लाइन को हमने किससे डिनोट किया था, लैम्डा से किया था। लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट के लिए एक लैम्डा, दो यूनिट के लिए दो लैम्डा, तीन यूनिट के लिए तीन लैम्डा। अगर एल लेंथ है तो एल लेंथ में चार्ज टोटल कितना होगा, टोटल चार्ज फॉर एल लेंथ एल लैम्डा, एक लेंथ के लिए एक यूनिट के लिए लैम्डा, दो यूनिट के लिए टू लैम्डा, थ्री के लिए थ्री लैम्डा, एल के लिए एल लैम्डा। तो ये हो गया टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस, दैट इज लैम्डा इंटू एल। ये हो गया आपके पास Q। अच्छा, हमने Q भी फाइंड कर लिया, अब क्या अप्लाई करनी है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो अप्लाई कर देते हैं फटाफट से। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है आपके पास, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई नॉट। इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली है, तो टू ई टू पाई आर एल, क्यू हमने निकाला लैम्डा इंटू एल, यहाँ से एल कैंसल, क्या बचा, ई इक्वल्स टू वन अपॉन में टू पाई एप्सिल नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाय आर। तो ये जो सरफेस आपका निकल के आया, ये जो चीज़ निकल के आई है, ये किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है, फॉर लीनियर चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, राइट। तो ये हो गई इसकी सेकेंड एप्लीकेशन, कि हम लीनियर के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमने क्या बात की थी, प्लेन शीट की बात की थी हमने यहाँ पे, डन डन। एंड लास्ट वन इज प्लेन शीट। प्लेन शीट के लिए गॉसियन सरफेस ऐसा होता है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, वही चार स्टेप लगा के क्या फाइंड कर लेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो फॉर प्लेन शीट, तो प्लेन शीट मैं डायरेक्ट ही ऐसे बना देती हूँ, क्योंकि हमें पता है उसका गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं। तो ये रही आपकी प्लेन शीट। तो सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस बनाना, तो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक पाइप ऐसे ले जाएंगे, दैट इज इमेजिनरी पाइप, राइट। तो ये हमने इस तरीके से ऐसे पाइप ले गए इसमें से, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से डायरेक्शन होती है, इधर इस तरीके से, और हमें सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर देखना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे जा रही होंगी और इसमें से ऐसे जा रही होंगी, ठीक है। तो पहला काम डन, दैट इज गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। दूसरा काम क्या है हमारे पास, ये चीज फाइंड करनी है हमको, ठीक है। तो ये लिख देते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब ये पूरे के लिए है, पूरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर जगह पे। तो सबसे पहली बात यहाँ देखें, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इस कर्व्ड सरफेस पे देखते हैं तो एरिया वेक्टर यहाँ जाता है, तो ये हो गया एरिया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। सिमिलरली यहाँ के लिए भी थीटा हो जाएगा, थीटा 90 होगा, यहाँ के लिए भी थीटा 90 होगा, राइट, और नीचे के लिए भी थीटा 90 होगा, अपर एंड बॉटम हम कह सकते हैं, है ना। ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चलिए ये तो हो गया कर्व्ड के लिए, कर्व्ड में हम देख सकते हैं कि अपर बॉटम हर जगह पर थीटा क्या है हमारा, 90 डिग्री है फॉर कर्व्ड पोर्शन, ठीक है। क्या बचा आपके पास, एक ये पोर्शन बचा और एक ये पोर्शन बचा, राइट, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसमें यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, ये सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में थीटा जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल। सिमिलरली यहाँ के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, दोनों पैरेलल, थीटा जीरो। तो कर्व पोर्शन के लिए थीटा हमें मिला 90 और लेफ्ट एंड राइट के लिए हमें थीटा मिला जीरो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्लोज्ड है, अब हमें हर एक सरफेस को अलग अलग कर दिया, तो अब हम ओपन इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। ये सबसे पहले लगाते हैं कर्व्ड के लिए, ई डी ए कॉस थीटा,
प्लस लेफ्ट वाले के लिए ई डी ए कॉस थीटा प्लस राइट वाले के लिए ई डी ए कॉस थीटा। अब लेफ्ट और राइट दोनों में ही दोनों में नहीं, कर्व्ड के लिए, कर्व्ड के लिए जो हमारा थीटा है वो क्या है 90, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस 90 पुट करती हूँ, कॉस 90 इज जीरो, तो ये पोर्शन तो मेरा जीरो हो गया। यहाँ पे हम पुट करते हैं कॉस थीटा जीरो, तो कॉस थीटा जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है वन के इक्वल, है ना। तो ये पोर्शन तो हो गया वन, ये हो गया वन, क्या बचा आपके पास ई डी ए, ई डी ए ये बचा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ के लिए बच गया ई डी ए लेफ्ट के लिए प्लस ई डी ए राइट के लिए। दोनों सेम है तो दोनों में ऐसे लिख दूं मैं, टू ई डी ए, है ना, ई कांस्टेंट है बाहर ले आते हैं, क्या बच गया डी ए। अब डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, क्या बच गया आपके पास सिर्फ एरिया। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप डन गॉसियन सरफेस का, सेकंड स्टेप डन ये निकाल ली हमने वैल्यू, थर्ड स्टेप क्या होता है कैलकुलेट क्यू इनसाइड द सरफेस। अब हमें क्यू निकालना है सरफेस के अंदर, ठीक है। सरफेस कौन सा सरफेस, इस शीट पे कौन सा गॉसियन सरफेस बन रहा है, ये वाला गॉसियन सरफेस बन रहा है। इस एरिया को हम मान लेते हैं ए, यही एरिया ए है, तो ये भी एरिया ए ही होगा, ठीक है। अच्छा हमें फाइंड करना है क्यू इनसाइड द सरफेस। इफ अगर ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट के लिए हमने क्या पढ़ा था, प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने। वो क्या थी एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर एक यूनिट एरिया के अंदर, वहां पे हमने क्या मेंशन किया था सिग्मा, ये होते ना एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना। तो एक यूनिट एरिया में एक सिग्मा है, दो यूनिट एरिया में दो सिग्मा, तीन यूनिट एरिया में तीन सिग्मा, तो ए एरिया में कितना होगा सिग्मा ए चार्ज होगा। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस वो क्या होगा आपके पास सिग्मा ए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नेक्स्ट। अब क्या लगानी है, गॉस लॉ लगाना है हमें। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है टू ई ए, क्यू क्या आया समीशन सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई आ गया सिग्मा टू ई नॉट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दिस रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन कहाँ से हमने पढ़ा है, ठीक है। इस रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, क्या, जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कोई पॉइंट, मैं यहाँ पॉइंट ना लेके मैं यहाँ पॉइंट ले लेती, है ना, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती क्योंकि इसके पास है, और ये दूर पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती, है ना। तो यानी कि पास डिस्टेंस, डिस्टेंस पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, डिस्टेंस दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। क्या यहाँ पे कहीं आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस रिलेशन में, डिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं भी रिलेशन में पॉइंट का। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका एरिया चार्ज डेंसिटी, ये क्या होगा आपका टू कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। तो इस पे तो डिस्टेंस डिपेंड ही नहीं किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास कि ये एक शीट है, इस शीट से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी, ठीक है। यहां पर अगर मैं इस पोर्शन की बात करती हूं, पॉइंट में यहां रखूं, पॉइंट में यहां रखूं, यहां तक सारी की सारी जो फील्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बाद में दूर जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। तो यहां तक जो फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म होगी। वो डिपेंड नहीं कर रही है कि आप पॉइंट यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो या यहाँ पॉइंट ले रहे हो। सिमिलरली अगर आप इसी पेज की बात करते हो, इस पेज से यहाँ मान लीजिए पूरे के पूरे चार्जेस हैं, यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ होगी, है ना। तो चाहे मैं पेन यहाँ रखूँ, यानी कि पॉइंट यहाँ रखूँ, चाहे मैं पॉइंट यहाँ रखूँ, अभी के लिए फॉर एन इंस्टेंस दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगी। क्लियर है ये बात, बाकी और दूर जाते हैं वो अलग बात है,
राइट। सो ये रिलेशन ये बताता है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एरिया, हमने प्लेन शीट के लिए भी गॉस लॉ लगा के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या सिर्फ लैम्डा और सिग्मा पढ़ा था, लैम्डा था क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक हमने थर्ड भी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो भी पढ़ा था। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये प्लेन हो गया। वॉल्यूम का मतलब क्या हो कि एक पूरा का पूरा इस तरीके से ऐसे बॉक्स है और उसके अंदर चार्ज कंटेन्ड है, बहुत हर जगह पर चार्ज कंटेन्ड है, ठीक है। अगर हम जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं एक कोई स्फीयर है, अब इसके अंदर चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है, एक बॉल है उसके अंदर चार्ज भरा पड़ा है, कोई प्लेन नहीं है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल है, वॉल्यूम है, पूरा का पूरा चार्ज भरा पड़ा है। तो इसके लिए हम कैसे गॉस लॉ लगा सकते हैं, यहाँ पे ना दो केसेस बनते हैं। पहली बात, ये स्फीयर अगर आपका कंडक्टिंग है, वो वाला केस, ये स्फीयर अगर आपका नॉन कंडक्टिंग है तो वो वाला केस। मतलब क्या हुआ, कंडक्टिंग है यानी कि ये इसके अंदर अपने चार्जेस को मूव करने देगा, चार्ज मूव करेंगे दैट मीन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते करते, दूर करते करते ये कहाँ आ जाएंगे, ये सरफेस पे आ जाएंगे इस तरीके से, है ना, अगर ये स्फीयर आपका कंडक्टिंग है। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये अपने अंदर चार्जेस को घूमने नहीं देगा, चार्जेस को घूमने नहीं देगा दैट मीन्स कि वो इसके अंदर ही एम्बेडेड रहेंगे, एम्बेडेड मतलब कि धसे रहेंगे, वो ऐसे के ऐसी रहेंगे। तो अब हमें इन दोनों के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मुझे इसके लिए फील्ड निकालनी है, क्या मैं इस केस को कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ शेल, इसको मैं शेल बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो कोई अभी भी चार्ज बचा ही नहीं, क्यों, तो इसके अंदर है ही नहीं, सारे के सारे किस पे आ चुके हैं, सरफेस पे आ चुके हैं, सरफेस मतलब कि एक शेल पे आ चुके हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ शेल। और इसको हम क्या करेंगे, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ स्फीयर, है ये भी स्फीयर है, इसके अंदर मटेरियल तो है बट चार्जेस तो इसके सरफेस पे आ गए ना, सरफेस का मतलब एक शेल पे आ गए, इसलिए हम इसको शेल बोल रहे हैं। ये वॉल्यूमेट्रिकली इसके अंदर धसे हुए हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, सीड्स एम्बेडेड होते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी नाम लिख देते हैं, इसका भी नाम लिख देते हैं एक बार के लिए। तो हमने ये दोनों के दोनों नाम लिख दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये वाला बात करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ शेल। तो अब इसकी फोर्थ एप्लीकेशन क्या बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ शेल। तो शेल ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम इसके क्या आ चुके हैं, सरफेस पे चार्ज आ चुका है, ठीक है। अगर ये सरफेस पे चार्ज आ चुका है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडली आउटवर्ड इस तरीके से होगी, ये रहेगी इसकी, जैसे एक पॉइंट चार्ज की होती है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन सरफेस बनाना है। अब ये जो शेल है इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है कि जैसे एक पॉइंट सोर्स की तरह होता है। तो पॉइंट सोर्स के लिए हम कैसा क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ करते हैं, यस एकदम सर्कल। तो वही इसके लिए भी क्या रहेगा, एक तरीके से स्फीयर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इस शेल का जो रेडियस है वो रेडियस है आपके पास r, और जो गॉसियन सरफेस का है उसका जो रेडियस है वो कितना है, ये वाला r, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस मान लिया, सेकंड स्टेप हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है EDA, फाइंड करना दैट इज EDA कॉस थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, कोई एक कंसीडर करेंगे, हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो लेट दिस पॉइंट बी पी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड जा रही है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से जा रही है, और दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, जीरो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्लोज इंटरवल ई डी ए
cos 0 एंड cos 0 इज 1, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, तो वो बाहर आ जाएगी इससे. दिस इज डी ए. नाउ इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कैंसल आउट, ई इंटू ए. नाउ वट इज ए हेयर, ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ द सर्फेस. कौन सा सर्फेस हम इसकी बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ गॉसियन सर्फेस. इस गॉसियन सर्फेस का मतलब क्या हुआ, ये क्या है एक स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², बट यहाँ हम आर कौन सा लेने वाले हैं, गॉसियन सर्फेस का रेडियस, राइट. तो क्या आ जाएगा 4πr², ये निकाल ली हमने. सेकेंड स्टेप डन. थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप के लिए आपको पता होना चाहिए कि चार्ज, ठीक है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, अब ना ये आपकी पॉइंट सोर्स है, ना ये लीनियर है जिस पे हम क्या लगा से लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा दें, ना हमारे पास ये एरियल है यहाँ जहाँ पर हम एरियल चार्ज डेंसिटी लगा दें, राइट. ये क्या है, ये एक सरफेस के ऊपर कंप्लीट चार्ज है. तो इस चार्ज को हम मान लेते हैं दैट इज कैपिटल क्यू, कि टोटल चार्ज ऑन द शेल वो क्या है, कैपिटल क्यू मान लेते हैं इसको. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्यू निकालते ना, तो वो हमने मान लिया कैपिटल क्यू मान लिया. अब क्या लगानी है, लास्ट लास्ट क्या लगाते हैं हम, गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम क्या है आपके पास, दिस वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. अब इसकी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास, ई 4πr², क्यू हमने क्या लेट किया, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल जैसे पॉइंट सोर्स की वजह से होती है, ये बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही है. जब हमने इसके टोटल क्यू मान लिया तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया, राइट. तो अब ये फॉर्मूला तो बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ फाइंड करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करी है इस गॉसियन सरफेस पे, ठीक है. अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या होगा, एट द सरफेस, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इस वाले सरफेस पे, कि जिस सरफेस पे एक्चुअल में चार्ज है, ठीक है, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो हम क्या करेंगे, ये तो क्या है बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है. अब ये आर क्या था, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस था. अब यहां हम आर कौन सा ले लेंगे, जो शेल का रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ये हो गया आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, ये हो गया एट सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, ये नॉर्मल सरफेस. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, तो कितनी होगी, इनसाइड द शेल यानी कि आर से भी कम है ना, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगेन अगर हमें इनसाइड के लिए लिखना पड़े तो 1 अपॉन में 4πε0 क्यू अपॉन में क्यू, भाई क्यू तो अंदर है ही नहीं, क्यू तो हमारा सरफेस के ऊपर है. तो जब इनसाइड द शेल क्यू यानी कि चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नहीं होगी. तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वो क्या है, जीरो है, बिकॉज जो चार्ज है वो इनसाइड जीरो है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो. तो चलो ये पॉइंट तो खत्म हो गया. अब अगर हमें इन तीनों को देख के हमें ग्राफ प्रिपेयर करना हो, ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके डिस्टेंस का ग्राफ बनाना हो, जैसे कि ये आर था, ये आर था, है ना. तो इस तरीके से अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा ग्राफ, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस साइड, यहाँ हम ले लेते हैं आर यानी कि रेडियस ऑफ सर्फेसिस, ठीक है. और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये आर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहीं ले लेते हैं, ये हमारा आर है, कैपिटल आर है, और उसके बाद बढ़ता बढ़ता ये आर हो गया, ठीक है. चलिए इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आई है, यानी कि इनसाइड द शेल कितनी है, जीरो है. तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर से, जब पहले की हम बात कर रहे थे, इस आर से पहले की बात जो हम कर रहे थे अंदर, तो वो क्या थी, जीरो थी. तो यानी कि ये वैसे से चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, जीरो, ठीक है. जैसे ही वो सरफेस पे आएगी
वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये मेरा पॉइंट सोर्स है, मैं अगर एक पॉइंट यहाँ मानती हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और दूसरा पॉइंट यहाँ मानूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम ऑब्जर्व होगी, और इसी पॉइंट को उठा के मैं बिल्कुल यहाँ ले आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम ही हो जाएगी, है ना। दो तो यहां से हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है 1/4πε0Q/r², ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इस वाली वैल्यू से। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस तो इससे दूर पड़ता है और ये सरफेस तो यहीं पर ही है, तो यहां पर तो मैक्सिमम होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर एकदम से बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही बढ़ गई, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते रहते हैं तो जैसे हमारा पॉइंट सोर्स होता है उससे हम दूर जाते रहते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहती है। किस प्रपोर्शन से कम होती रहती है? 1/r² के प्रपोर्शन से कम होती रहती है, है ना। तो E इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू r² इस प्रपोर्शन से कम होती है, और r² का हमें ग्राफ पता है कैसे जाता है, इस तरीके से कर्व्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो थी, जीरो से लेकर r तक की वैल्यू, एट r E इज मैक्सिमम, ठीक है। और ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ है आपका, ये तो हो गया r जब आपका r के इक्वल था, ये हो गया E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ शेल। अब दूसरा केस क्या था? दूसरा केस क्या है हमारे पास? नॉन कंडक्टिंग का, यानी कि इसके अंदर चार्जेस धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, यानी कि हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक यूज करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर के अंदर इस तरीके से चार्जेस धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। अब ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे? ये भी एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो ये भी किसी की तरह बाहर की तरफ रेडली आउटवर्ड, ठीक है। तो जैसे ही आउटवर्ड निकालेंगे तो हमें क्या करना है? सबसे पहले गॉसियन सरफेस, और ये स्फीयर है तो इसके ऊपर गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा? इस तरीके से इमेजिनरी स्फीयर बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप डन, गॉसियन सरफेस हमने डन कर दिया। उसके बाद क्या फाइंड करना होता है हमें? ये चीज, तो हम यहाँ लिखेंगे EDA कॉस थीटा। फॉर दिस क्वांटिटी हम क्या लेंगे, यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, और इस सरफेस पे भी जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, इस तरीके से, ये ई हो गया, ये ए हो गया, दोनों के बीच में थीटा जीरो, तो कॉस जीरो पुट कर देंगे हम। जैसे ही हम यहाँ पे कॉस जीरो पुट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1, क्या बचा आपके पास? ई डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है हर जगह पे, बाहर की तरफ ऐसे रेडली आउटवर्ड, तो ये हो गया ई एंड दिस इज डी ए। नाउ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन खत्म, क्या बचा आपके पास? ई इंटू ए। नाउ व्हाट इज ए हेयर? ए क्या है? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वही आर मान लेते हैं, और इस गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस बना है इसका जो रेडियस है वो हम ये वाला आर मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए मेरे को कि इस आर के लिए, ये आर है तो इसके लिए हमारा एरिया क्या बनेगा? स्फीयर है, दैट इज 4πr², तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 4πr। आर कौन सा? गॉसियन सरफेस का रेडियस r², ये वैल्यू आ गई, वैसी वैसी आई है बिल्कुल वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए थर्ड स्टेप, दैट इज टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्यों? अब वहां तो क्या था, पहले क्या था, यहां पर तो हमने टोटल क्यू मान लिया था, यहाँ पे क्यों टोटल क्यू माना था? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे थे, ये तो सरफेस के ऊपर आए हुए थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से समझिए एक बाउल है जिसके अंदर चार्जेस भरे पड़े हैं। अगर मुझे यहाँ पे चार्ज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? उसका एक छोटा सा पोर्शन मैं क्या कर लूंगी, इस छोटे से पोर्शन को मैं इमेजिन कर लेती हूँ, ठीक है। उस छोटे से पोर्शन को हमने क्या बोला था? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ये बोला था हमने, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वो किसे डिनोट की थी हमने?
इस तरीके से रो, ठीक है। रो का मतलब क्या है कि वन यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि इतने से वॉल्यूम में इतनी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। फिर अगले चलिए, दो वॉल्यूम, दो यूनिट वॉल्यूम के लिए दो रो हो जाएगी, टू रो हो जाएगी, थ्री के लिए थ्री रो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कंप्लीट चार्ज के लिए कितनी हो जाएगी, फुल चार्ज के लिए। ये ट्रिम लास्ट, ये वाली पूरी की पूरी पोर्शन ट्रिम कर देना, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि टोटल चार्ज चाहिए क्यों, कहाँ चाहिए हमें, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। इनसाइड द गॉसियन सरफेस मतलब कि ये वाला सरफेस बना हमारे पास, ये स्फीयर बना, इस स्फीयर में कितना चार्ज है, इस स्फीयर में हम चार्ज मान लेते हैं हमारे पास क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी मान लिया हमारे पास टोटल चार्ज है क्यू। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक, अब हम थर्ड फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम लगा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, कहाँ पर, एट गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे पहले लगाइए गॉस थ्योरम क्यू बाय एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या आई है, ई फोर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपके पास क्यू, ये हो गया ई नॉट, तो ये होगी वैल्यू आपके पास, तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड कौन सा आउटसाइड, इस सर्फ इस स्फीयर के आउटसाइड, यानी कि ये वाला है गॉसियन सरफेस के लिए, ये आ गई आपके पास, ठीक है। अब अगेन अगर मैं एट द सरफेस पूछूं, एट द सरफेस, एट द सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर चेंजेस, इसके रेडियस को हटा के ये वाला रेडियस लगाना पड़ेगा हमें, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट ही है। तो ई एट द सरफेस तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन क्यू, रेडियस कौन सा, स्फीयर का रेडियस, तो ये हो गया एट द सरफेस। तो अब हमने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एट द सरफेस। अब अगर कोई बात करे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इनसाइड द सरफेस, तो इनसाइड द सरफेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, पी लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की डायरेक्शन हम निकालते हैं, सिमिलरली ऐसे ही हमें कोई पी पॉइंट अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, मान लेते हैं ये एक और हमने सरफेस मान लिया, यहाँ पे मान लिया हमने पॉइंट पी, ठीक है। ये मैं अलग से फिगर बना रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, ये हो गया आपका स्फीयर जिसमें सारे के सारे चार्जेस हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर सरफेस माना, गॉसियन सरफेस माना, सो दैट उसके सरफेस पे मैं यहाँ पे पी पॉइंट ले सकूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, इस तरीके से ये आर हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये तो पूरा आर है ही, ठीक है। ये आर हमने माना था इससे बाहर वाला, अब हम ये पी पॉइंट का जो रेडियस मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं आर से छोटे, ये था हमारा जब आर बड़ा था सरफेस के आर से, स्फीयर के आर से, अब ये हम पॉइंट मान रहे हैं जब ये छोटा है स्फीयर के रेडियस से, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो अगेन यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों के अंदर जो थीटा होगा वो कितना बन जाएगा, जीरो, राइट। गॉसियन सरफेस हो गया, दोनों में थीटा जीरो हो गया, तो दोबारा से हम निकाल लेते हैं ई डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा जीरो, खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, डी ए डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन खत्म, एरिया। नाउ व्हाट इज एरिया, एरिया हम इसकी बात कर रहे हैं, अब इसके लिए हमने आर क्या माना, स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर, ये चीज आ जाएगी। अब हमें अब यहां तक हमने फाइंड कर लिया, थर्ड स्टेप क्या है कि हमें अब चार्ज फाइंड करना है, चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, ठीक है, चार्ज इनसाइड, तो टोटल चार्ज इनसाइड दैट इज क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। शेल में क्या था, शेल में तो अंदर कोई चार्जेस ही नहीं थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, बट यहां तो चार्जेस है ही है, राइट। तो यहां चार्जेस हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसका चार्ज कितना होगा, तो सोचिए जब एक बाउल सा है, इसके अंदर हमने चार्जेस बहुत सारे रखे हुए हैं, हम क्या लगाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हम यूज करते हैं, यानी कि इतने से वॉल्यूम में, वन यूनिट वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी है, वन टू यूनिट वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो वन यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी रो, टू यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी टू रो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं पूरे के लिए अगर मैं चार्ज निकालूं कि कितनी चार्ज डेंसिटी है, तो क्या होगा, पूरा क्या है, एक स्फीयर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो रो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर, स्मॉल आर, इस सरफेस की बात हो रही है, आर क्यूब, ठीक है। तो हमने चार्ज भी निकाल लिया, अब चार्ज आ गया, अब हम क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है गॉस थ्योरम, ई डी ए इज इक्वल टू दिस वन, इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, ई 4πr² क्यू, क्यू की वैल्यू क्या आई है, रो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, एक आर बच गया, तो ई क्या हो गया आपके पास, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी आपकी। तो आउटसाइड ये हो गई, एट द सरफेस ये हो गई, इनसाइड ये हो गई, ठीक है। अगर मैं इसके लिए अगर हम एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो दोबारा बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस, ये हो जाएगी आर, आर मतलब कि डिस्टेंस ऑफ सरफेस, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ हम आर मान लेते हैं एट द सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीरो से लेकर आर तक की, ठीक है, यानी कि सेंटर से लेकर रेडियस ऑफ स्फीयर तक की, सेंटर से लेकर रेडियस ऑफ स्फीयर तक की, तो इनसाइड द स्फीयर हो गया। इनसाइड द स्फीयर आपके पास क्या आया है, ये आई है वैल्यू, ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि ई जो है अपनी इस रिलेशन से क्या ऑब्जर्व करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। जैसे जैसे देख रहे हैं ना आप, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर इनसाइड द स्फीयर। तो यानी कि यहाँ तक के लिए ई हमारी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है मतलब कि ये चीज़ बनती है, ठीक है, ये होता है ना यूनिफॉर्म, तो ये हो गया बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट आर, एट द सरफेस, एट द सरफेस क्या होता है, मैक्सिमम हो जाती है, एट द सरफेस मैक्सिमम, तो ये हो गई एट द सरफेस मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहती है, कम होती रहती है, और किस रेशो से कम होती रहती है, आर स्क्वायर के रेशो से। तो उसके लिए क्या बनेगा ग्राफ, ये वाला। तो ये हो गया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये हो गया एट द सरफेस, और ये हो गया जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। क्लियर हो गई ये बात। तो ये था ग्राफ फॉर वॉल्यूमेट्रिक। तो ये तो हमने की गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।